हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कह रही हूँ कि मांग टिक्का कैसे लगाएं। मांग टिक्का जब हम लगाते हैं, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी। एक तरीका जो आप यूज़ करते हो, सेकंड जो आपको करना चाहिए, एंड थर्ड एक टिप के साथ। तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, हम एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड को इसके पीछे ना टाई अप कर देते हैं। इस तरह से इसको पीछे से टाई कर देते हैं, जिससे हमारे जो टीके की लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम थ्रेड को लगा देते हैं। कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर अपने जो हेयर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, उनके हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड कर लिया और इसके बीच में आपको मांग टिक्का लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टू सेक्शंस में इन्हें डिवाइड कर लिए, है ना। तो आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम इसको इस तरह से लगाते हो, जहाँ पे आपको इसकी फॉल रखना है उतना, और बैक में ले जाकर, यानी कि यहाँ पे ले जाकर आप अपनी पिन की हेल्प से, इसमें पिन में फंसा के इसे पिन की हेल्प से टाई अप कर देती हूँ। या दूसरी कंडीशन, आप क्या करते हो, इसका जो बैक साइड होता है, ये वाला जो बैक साइड होता है, इसमें आप इसको, ये जो आपका थ्रेड होता है, इसको अच्छे से इस तरह राउंड मूव करते हो एंड देन इसे यहाँ पर लगा देते हो। यही करते हो। कंडीशन क्या आती है, कभी कभी आपका थ्रेड विजिबल होता है, ठीक है ना, कभी कभी आपका हेयर स्टाइलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते, आपका थ्रेड विजिबल होता है, या कोई भी कंडीशन रह सकती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये वाले प्रोसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, ना तो थ्रेड का यूज़ करना है और ना ही आपने इस तरह से पिंस लगानी है। आपने पिंस किस तरह से लगानी है, जब भी आपने मांग टिक्का लगाना है, आप अपना मांग टिक्का लगाएं बिना थ्रेड के, पीछे कोई थ्रेड नहीं है। अब आप देखिए, पीछे मैंने एक पोनी टेल क्रिएट की हुई है, है ना। इसमें से आपने एक छोटा सा पोर्शन लेना है हेयर्स का, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन आप हेयर्स का ले लें, ये वाला। इतनी मैंने हेयर का एक पोर्शन लिया और इस हेयर्स के पोर्शन को मैंने इसके अंदर, यानी कि ये जो हमारी लूप है बैक में, इसके अंदर डाल दिया, लाइक दिस, इसके अंदर डाल दिया। अब मैं मांग टीका आगे लेके जाऊंगी, फ्रंट में इसे सेट करूंगी, जितना फॉल मुझे मेंटेन करना है। अब मैं इसे बैक में लेके आऊंगी और बैक में लाके ये जो हमारे हेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जो हेयर्स लिए थे अपने पोनी टेल में, जो हेयर्स लिए थे हमने यहाँ पर, उसको डाला, और ये रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं, इन्हें हम बैक में लेके जाएंगे। बैक में ले जाकर आपने क्या करना है, यहाँ एक तो अपनी यू पिन लें और यू पिन से अटैच कर दें, और दूसरी अपनी बॉब पिन लें। पहले अपनी बॉब पिन से इन्हें अटैच कर लें। सिर्फ एक ही पिन लगाई है मैंने और एक ही पिन में हमारा मांग टिक्का जो है वो सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी यू पिन लेके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी यू पिन लें, इन हेयर्स को अपनी यू पिन में डालें और इसको इस तरह से राउंड मूव करें, लाइक दिस। हेयर्स को डालने के बाद राउंड मूव करें और इसको अपनी पोनी टेल में अटैच कर दें। तब भी ये मांग टिका, आप देखिए, अब ये निकलेगा नहीं, अब इसको अगर खींचोगे भी तब भी ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसे करते, यानी कि जो मैंने पहले किया था, अगर उसे करते तो आपका ये मांग टिका गिर जाता, ठीक है ना, या फिर निकल सकता था, या कुछ भी हो सकता था थ्रेड के वजह से। सेकेंडली, अगर मांग टिका खिसक रहा है, बहुत ज़्यादा खिसकता है मांग टिका एक साइड में, जिस साइड का हम हेयर स्टाइल लेते हैं ना, उस साइड खिसक जाता है, तो नीचे एक डबल टेप का यूज़ कर लें और डबल टेप लगा के इसे चिपका दें, जिससे ये खिसकेगा नहीं और वहीं पे ही टिका रहेगा। ये चीज़ आपको कर दी है, ये आपकी सेकेंड थिंग है। तो इस तरह से आप जो हैं अपने इन चीज़ों को मेंटेन करें। सेकेंडली, हम और क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ। सपोज कीजिए कि आपने कोई हेयर स्टाइल वियर किया है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे साइड से कोई हेयर स्टाइल बनाया, कोई भी एनी हेयर स्टाइल,
आपने फ्रंट से कोई भी हेयर स्टाइल बनाए हुए, आपके फ्रंट के हेयर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। अब आप क्या करोगे? आपके फ्रंट के हेयर जो हैं वो अटैच्ड हैं। अब देखिए, लेकिन आप भूल गए अपना मांग टिक्का लगाना। अब आप क्या करोगे? अगर आप अपना मांग टिक्का इस कंडीशन में भूल गए हो लगाना, अगर आप मांग अपना, देखिए कोई भी हेयर स्टाइल आपने फॉर्म किया, अगर आप अपना मांग टिक्का लगाना भूल गए हो तो अब क्या करें? आपने सेम एक थ्रेड लेना है जिसकी अच्छी स्ट्रेंथ हो, जैसे पहले लेते हो ना ऐसे ही, और उसको एक नीडल में डाल लें इस तरह से। बड़ी सी नीडल लेनी है, छोटी नहीं लेनी, और उसको एक नीडल में डाल लें। छोटा सा थ्रेड लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, और इसको पीछे से टाई अप कर दें। टाई अप करने के बाद आपने इसकी जो बैक साइड है ना, इसको थ्रेड में डालना है, लाइक दिस, इस तरह से। थ्रेड में डालने के बाद आपने यहाँ से अपनी ये जो नीडल है, ये जो नीडल मैंने ली है, इसको इसके सेंटर से डालना, बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल स्ट्रेट। दो तक कंडीशन है, एक तो आप सीधा डालो या उल्टा डालो। मेरे अकॉर्डिंग आपको उल्टी साइड से डालना चाहिए, ठीक है? अपने नीडल को अगर सीधा डालोगे ना तो क्लाइंट को लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसकी जो शार्प काफ़ी होता है, तो इसको उल्टा कर लें। उल्टा करके फिर इस तरह से डालें और इसको बैक साइड से। इससे क्या होगा कि अब क्लाइंट को लगेगा नहीं, और आपकी अपने जो मांग टिक्का है उसे निकाल लें, और बैक में आपकी ये इस तरह से जो नीडल है वो निकल जाएगी, और इसको कट करके फिर थ्रेड से लगा दें, या फिर अपनी पोनी टेल में, अगर आपकी ओपन है तो पोनी टेल से लगा दें। तो ये फॉर्मेशन आप कर सकते हो, ठीक है? ये वाली फॉर्मेशन आप कर सकते हो। अगर क्लाइंट के हेयर्स जो हैं, अगर मान लीजिए अगर क्लाइंट का हेयर स्टाइल बन चुका है, क्लाइंट भूल गया है अपना मांग टिक्का लाना या लगाना, तो इस तरह से उनके मांग टिक्के को आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे मांग टिक्का, कि आपने मांग टिक्का कैसे लगाना है, थ्री वेज से हमने बताया है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।